हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड में सरकार गठन के बाद अब आगामी 29 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री धामी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल 8 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग नहीं सौंपे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। अब आगामी 29 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो सवाल सबके मन में है कि कांग्रेस किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है। क्या प्रीतम सिंह के अनुभव को देखते हुए उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या फिर कांग्रेस हाईकमान किसी अन्य नाम पर मुहर लगाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक समीकरणों के आधार पर देखें तो इन दो पदों में से एक गढ़वाल और एक कुमाऊं से भरा जाना तय है। बता दें कि कांग्रेस में 3 नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे आगे हैं। इसमें प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरीश धामी का नाम चर्चा में है। वहीं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सस्पेंस जारी है। अटकलें हैं कि गणेश गोदियाल को बहुत कम समय मिला, ऐसे में उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि खटीमा से जीतकर आए भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी, पूर्व में मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नेथानी के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में माने जा रहे हैं। कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर फैसला होना है, जिस पर अंतिम मुहर हाईकमान को लगानी है। इससे पहले विधायक दल की बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में माने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व को तय करनी है। यशपाल आर्य ने कहा कि इस पर अब फैसला जल्द हो जाना चाहिए। हालांकि यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि वो किसी पद की रेस में नहीं है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाए। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।